टोपी लगाती हैं, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। मम्मी जी ने अभी जब वीडियो मैंने स्टार्ट किया ब्लॉग, तो मम्मी जी ने ऐसे लगा लिया, नहीं तो पहले मम्मी जी ऐसे लगाती हैं टोपी, ऐसे न कान ढके न सर ढकता कुछ नहीं, टोपी लगाती हैं बस। और मम्मी जी की ये टोपी नहीं। सो हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मानसू ब्लॉग। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है करेक्ट 12 बजे से, आपको मैंने पहले ही बता दिया है, और कुछ मिले ना मिले आपको टाइमिंग एक्यूरेट मिलेगी। तो आज का सीन ये क्या है कि मतलब कि मैंने कल ब्लॉग नहीं शूट किया था, इसलिए नहीं शूट किया क्योंकि कल थोड़ा सा काम आ चुका था, इसलिए टाइम नहीं मिला मेरे को। तो आज बिल्कुल काम नहीं है, कुछ काम नहीं है, आज कुछ फ्री है एकदम। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने कल का काम अधूरा रह गया था, यानी मतलब परसों का काम अधूरा रह गया था, वो आज कल पूरा करवा दिया मैंने। तो आइए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्या करवा दिया पूरा। देख सकते हैं हमने वाईफाई लगवा लिया है, टनांग। तो हमने वाईफाई लगवा लिया है और कल ही आके गए भैया, लगा गए हैं। तो अब कल से हम लोग वाईफाई यूज कर रहे हैं, स्पीड बहुत बढ़िया आ रही है, तो बहुत तगड़ी स्पीड है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि स्पीड नहीं है, बहुत बढ़िया स्पीड है, एक एक बार 5-5, 6-6 GB की स्पीड आ रही है, कभी कभी तो 10-10 चली जा रही है। तो बहुत बढ़िया और शानदार स्पीड है, प्लान भी सस्ता है, तो इसलिए, और अनलिमिटेड है, ऐसा नहीं है, अनलिमिटेड है, कितना भी यूज कर सकते हैं हम। तो आइए दिखाता हूं मैं मम्मी जी क्या कर रही हैं। देख सकते हैं यार मम्मी ऐसे क्यों देख रही हो, डरा रही हो आप तो। हेलो। तो मम्मी देख सकती हैं क्या कर रही हैं। मम्मी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, तुम्हारा ही वीडियो देख रही थी। और ये सौरभ को देखो, सौरभ आज अपनी वीडियो शूट कर रहा है, कल अपनी स्क्रिप्ट लिख रहा था और आज शूट करने जा रहा है दिन में, क्योंकि कल रात को भी करने सोचा लेकिन कल टाइम नहीं मिला इसको, क्योंकि कल क्या हो रहा था, कल वाईफाई लगाने आ गए भैया शाम के टाइम, इसलिए तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिला। उसके बाद आपको पता ही है कि वाईफाई लगने के बाद से एक क्रेज सा हो जाता है अंदर से कि यार स्पीड चेक करते हैं, अपलोडिंग करते हैं, डाउनलोडिंग करते हैं। तो हमने क्या किया कि सबसे बड़ा प्ले स्टोर में ऐप, मतलब सबसे फेमस प्ले स्टोर में पबजी था, तो हमने पबजी को डाउनलोड किया, देखते हैं कितने मिनट में, मात्र 5 मिनट में वो पबजी डाउनलोड हो गया, 5 मिनट से भी बहुत कम। और फिर 1.5 GB की फिल्म थी, उसे भी डाउनलोड किया, वो भी उतने में ही हो गया। तो स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी है और अपलोडिंग स्पीड अब चेक करनी है इसकी, तो मेरी वीडियो जब अपलोड होगी तो देखेंगे अपलोडिंग स्पीड इसकी कितनी है। बाकी मैंने उससे ओकला से जो होता है, कहते हैं कि ओकला बहुत बढ़िया स्पीड टेस्ट है, तो उससे चेक किया तो उससे भी बहुत बढ़िया स्पीड आ रही थी, 46 और 47 की आ रही थी। तो पापा जी आ चुके हैं, पापा जी के दरवाजा खोलते हैं, उसके बाद मिलाते हैं आपको पापा जी से। टना, पापा जी आ चुके हैं, आइए रेडी हो, देखिए रेडी, हेलो बोलिए, हेलो, हाय, हाय, हाय। तो पापा जी आ गए हैं और आज धूप नहीं निकली है ज्यादा अच्छी, देख सकते हैं आज धूप बढ़िया नहीं निकली है, धूप कल भी नहीं निकली थी, कल भी इतनी बढ़िया धूप नहीं निकली थी, लेकिन फिर बीच में आ गई धूप। तो चलिए चलते हैं अंदर दिखाता हूँ आप लोग को। अब नेट की कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि पहले तो था कि 1.5 GB रहता था तो, और वीडियो होती थी 3-3 GB की, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती थी, फिर रिचार्ज करना पड़ता था, वो पैकेज छोटे छोटे, इसकी वजह से तो हमने वाईफाई लगवा लिया, अब नेट की कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से अपलोड होगी 5-5, 6-6 GB की वीडियो, अब HD क्वालिटी में वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करेंगे हम लोग। तो अब जिस चीज को समस्या थी कि क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, वॉइस अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ये सब आपको अब समस्या धीरे धीरे मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि वाईफाई लग गया तो अब ज्यादा GB की भी वीडियो कोई दिक्कत नहीं होगी अपलोड करने में, इसलिए क्योंकि पहले तो ये था कि 1.5 GB की वीडियो आती, मतलब 2-3 GB की तक वीडियो हम बनाते थे लिमिटेड, कि 3 GB तक मैक्स रहे, क्योंकि नेट नहीं आता था, 1.5 GB का रिचार्ज 1.5 GB का पहले से रहता था, फिर एक बाउचर रिचार्ज करते थे हम, तब जाके वीडियो अपलोड करते थे। अब वाईफाई लग गया तो अब भले कितनी लंबी वीडियो 10-10 GB की भी चली जाए कोई दिक्कत नहीं, क्यों मम्मी? और ये सलाह मम्मी ने खुद दी थी कि अब बेटा वाईफाई लगवा लो, क्योंकि तुम्हारी वीडियो बहुत ज्यादा क्वालिटी में जा रही है, नेट खा जाते थे किसी के पास नेट नहीं रहता था, इनकी वीडियो देखने के लिए नेट नहीं रहता, इसलिए अब वाईफाई लग गया, मम्मी भी वाईफाई से कनेक्ट कर लिया, मम्मी जी चला रही है एकदम मस्त मोबाइल, और भाई को देखो गुलटिया मार रहा है, क्योंकि इनका वाईफाई लग चुका है इसलिए गुलाटी मार रहा है। पापा जी आते ही कहाँ तक आ रही वाईफाई की? वो ढलान तक, ढलान तक कहाँ तक आ रही, मतलब पापा जी टेस्ट करके ढलान के नीचे आते हैं ना, तो शुरू होती है।
अच्छा उसका नाम के उधर जाते हैं बंद हो जाते हैं। अच्छा ये नीचे तक जा रहे हैं तो अच्छे तो वाई फाई वो जो बना हुआ वो जो मोटा वाला नहीं जहाँ पेड़ अच्छा वो मोटे वाले तक आ गए वो जो मैं आप वो जो पापा जी गए थे तो उनका मतलब पापा जी ने अपने मोबाइल में कनेक्ट किया था वाईफाई तो शायद डिस्कनेक्ट करना भूल गए होंगे तो गए थे या तो नीचे की साइड जाते हैं तो एक बीच में आता है स्पीड ब्रेकर है तो वहां जाते हैं तो वहां तक हमारी नेट की स्पीड जा रही है मतलब वाईफाई की रेंज वहां तक पहुंच रही है तो बहुत ज्यादा है वहां तो मुझे तो लगा ये बाड़े से हमने जो बाड़ा है इसके बगल से ही जाएंगे तब तक भी नहीं आएगी स्पीड लेकिन वहां तक स्पीड आ रही है मतलब नेट आ रहा है तो बहुत ज्यादा मतलब इसका रेंज बहुत बढ़िया है तो अब देखते हैं। और पापा जी आते ही हमसे ये कह रहे हैं कि अभी सो के उठे हैं हमारे लल्ले दोनों ये दोनों अभी सो के उठे हैं आप लोग इन लोगों पर विश्वास कर लेंगे नहीं करना क्योंकि अभी सो के उठे हैं ये मुंह में जो चिकनाई देख रही है ना ये चिकनाई किसी और चीज की है ऐसा कुछ नहीं यार मैं उठाऊ पूरा 11:30 बजे नहीं भाई लोगो बिल्कुल न मानना बिल्कुल न मानना बिल्कुल न मानना तो अभी देख रहे पापा जी भी आ चुके हैं आप खाना वाना खाने खाएं खाना वाना खाएंगे क्योंकि 12 बज चुके हैं 1 बजे हम लोग खाना वाना खाएंगे तो चलिए खाना वाना खाते हैं। हेलो जी और देखो मम्मी जी आपसे कुछ कह रही जी आगे नहीं बोल सकता वो किसी और का टाइटल तो मम्मी आपको टोपी में कैसी लग रही है मम्मी जी एकदम अलग तरीके से टोपी लगाती है दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। मम्मी जी ने अभी जब वीडियो मैंने स्टार्ट किया ब्लॉग तो मम्मी जी ने ऐसे लगा लिया नहीं तो पहले मम्मी जी ऐसे लगाती हैं टोपी ऐसे न कान ढके न सर ढकता कुछ नहीं टोपी लगाती हैं बस और मम्मी जी की ये टोपी नहीं है तो भाई की टोपी है मम्मी जी की एक अलग ही क्वालिटी की टोपी है जिसको मम्मी बहुत ज्यादा प्यार करती है वो मतलब हर ठंडी में निकलता है और मम्मी जी के सर पे रहता है पूरे ठंडी भर वो सर पे रहता है मम्मी जी क्योंकि रात में लगा के सोया था उसको सुबह मुझे चाहिए टोपी क्योंकि हवा बहुत तेज चलती है इसलिए मेरे को यही मिल गया तो मैंने यही लगा लिया तब से यही लगाई हुई है। मम्मी जी को टोपी लगाने का बहुत शौक है ठंड आती नहीं है कि मम्मी जी की वाली टोपी निकल जाती है और फिर पूरे ठंड भर वो टोपी मम्मी के सर पे रहती है जब मम्मी नहाने जाती है तभी उतरती हो और फिर एकदम नहाने के बाद से दोपहर शाम के बाद से वो टोपी लगती है और फिर अगले ही दोपहर को उतरती हो सर से जब तक कोई उतारे ना तब तक नहीं उतरेगी वो मम्मी जी को क्रेज है टोपी लगाने का बहुत बढ़िया मम्मी जी क्रेज नहीं है मुझे ठंडा बहुत लगता है मम्मी जी बहुत क्यूट लगती है टोपी में तो चलिए खाना वाना खाते हैं खाना वाना खाने के बाद आप लोग से मिलते हैं थोड़ी देर में क्योंकि अभी खाना वाना खाने का भी टाइम हो चुका है पापा आ चुके हैं मम्मी अब जाएंगी नहाने उसके बाद खाना हम लोग खाएंगे तो चलिए मिलते हैं। तो फाइनली शाम हो चुकी है शाम के बज चुके हैं 5:30 मैंने ऐसे ही बता रखा है आप लोगों को कि यहाँ और कुछ मिले ना मिले टाइम परफेक्ट मिलता है तो चलिए शाम का टाइम हो गया है और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि पापा जी आजकल डाइटिंग पे हैं तो पापा जी चाय पीते नहीं है मम्मी जी भी डाइटिंग पे है तो मम्मी चाय पीती नहीं है और सौरभ तो ऐसी आदतें रखता नहीं है इसलिए तो चाय सिर्फ मैं पीता हूँ तो चलिए चाय बनाते हैं क्योंकि आज हम खुद अपने हाथों से चाय बनाएंगे और फैक्ट इस बात का है कि मैं घर में सबसे अच्छी चाय मैं ही बनाता हूँ तो चलिए अपने लिए इकलौता चाय बनाते हैं चाय बनाते हैं। तो अभी मैं पूछ के आया मम्मी से कि मम्मी आप चाय पियोगी तो मम्मी जी ने कहा ग्रीन टी पियेंगी तो चलिए अपने लिए नॉर्मल टी मम्मी के लिए हर्बल टी ग्रीन टी बनाते हैं। चाय बनाने का सबसे पहला प्रोसेस फ्रैपिन को बर्तन स्टैंड से बाहर निकालो ले लिया हमने फ्रैपिन ले लिया है दूसरा स्टेप जो बर्तन उसके साथ निकला है उसको उसके अंदर रख दो तो चलिए चाय बनाते हैं ग्रीन टी के लिए वो हो रही हूँ ना ग्रीन टी बनाऊंगी ना पापा के लिए अपने लिए लाओ मैं बना दे रहा हूँ मेरे से अच्छा नहीं बना पाओगी आप लो बना ग्रीन टी में डालते क्या है ग्रीन टी में ग्रीन टी डालते हैं समझे कितना चम्मच चम्मच जब पानी गर्म हो जाए तब डालना अच्छा पानी गर्म होने का इंतजार तो लाइट नहीं है देखना पड़ेगा इसके साथ चम्मच मिला है क्या नहीं ओपन करो पानी गर्म हो जाएगा दो ही चम्मच डालना बस वैसे ऐसे दो चम्मच बाकी अपनी चाय बनाओ तो चाय बनाने के लिए हमने ले लिया है फ्रैपिन और पहले नाप के लेंगे हम पहले हम लेते हैं
दूध। फिर एक कप पानी, नाप के हिसाब से ले लेना, मेरे को विश्वास मत करना, मैं अच्छा देख के बना रहा हूँ। अमीरों का शौक है ना, लेकिन चाय पत्ती असली मजा तो चीनी को दूध के अंदर, मतलब चाय बनते टाइम ही डालने में ही मजा आता है, बाद में बाहर से डालने में मजा नहीं आता चाय चीनी को। तो ये गई मेरी चाय पत्ती, एक कप चाय बन रहा है तो आधा चम्मच चाय पत्ती, ज्यादा थोड़ी चाय पत्ती थोड़ी लगती है। चार कप बने तब हम एक चम्मच डालता हूँ, एक चम्मच से थोड़ा ज्यादा पानी बन रहा है, डालते हैं ग्रीन टी के लिए बन तो दो चम्मच। ये रख दिया है मम्मी वाला, मेरा वाला चाय इधर रख दिया है, मम्मी वाला चाय। चाय बनने के बाद दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप लोग को मैंने दिखाया ये चाय, और ये बन रही थी ग्रीन टी। जैसे ही मैं अपने वापस मतलब बेड जहाँ रखा, मतलब हॉल यहाँ बेडरूम में पहुंचा, तो भाई उधर से ऑर्डर दे रहा, भैया मेरे लिए भी कॉफी बना दे। सुन रहे हो ना, कॉफी बनाने का ऑर्डर आ रहा है। तो चलिए कॉफी बनाते हैं, एक दो तीन, तीसरे में कॉफी बनाएंगे। चलिए कॉफी बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। कॉफी दिखाता हूँ, चाय दिखाता हूँ, और ग्रीन टी भी दिखाता हूँ। पूरा मैंने आज सब बनाने बनाया, आपके भाई ने बनाया, आपके भाई ने। तो चाय और चाय भी बन चुकी है, ग्रीन टी भी बन चुकी है, और कॉफी भी बन चुकी है, और सबको एक एक कप पूरा फुल लार्ज अमाउंट में मिला है। दिखाता हूँ आप लोगों को वो। अरे डैडी आपका किधर है? खाली है। ये मेरी कॉफी है, ग्रीन टी है, ये मम्मी की ग्रीन टी थी, ये पापा जी ने एक ही सांस में पी लिया। चाय देखो, चाय कितना बनाए हैं, ये कॉफी, ये चाय नहीं कॉफी है। अरे वो कॉफी है, ये कॉफी है, और ये मेरी चाय है। कभी एक कप बनाया नहीं तो कुछ ज्यादा ही एक कप बन गया चाय। बबी जी कुछ कमेंट करना चाहेंगे आप? नहीं, आप तो कह रहे थे कि मेरे से ज्यादा अच्छा कोई चाय और कॉफी नहीं बनाता है। तो इसमें मैं कमेंट नहीं कर सकती। कॉफी तो मैंने नहीं कहा है, कॉफी थोड़ी आती है मेरे को बनानी। तो पापा जी अपना स्पेशल भुजा खा रहे हैं, एकदम मस्त गरम करके ले आए हैं। तो चलिए चाय पीते हैं, कुछ ज्यादा ही लार्ज हो गई है, तो पीते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। चलो पीते हैं, कोई बात। तो अभी भी जा रहा हूँ मैं चौराहे, एज यूजुअल सामान लेने के लिए। देख सकते हैं मैंने मास्क लगा लिया है, मास्क लगा लिया है। चाबी गाड़ी की ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। बताओ आज सुबह से हमारा पीछे वाला दरवाजा भी नहीं खुला है, तो चलिए चलते हैं, चलिए चलते हैं। अरे तुम्हें नहीं जाना है, मुझे जाना है। नहीं, हम लोग चलेंगे, चलिए चलते हैं। अरे अरे ये नीचे का है, रुके डैडी बुला रहे हैं, जरा सुन ले। हाँ डैडी बोलिए। तो चलिए चलते हैं, स्कूटी से चलेंगे आराम से, डुडुक डुडुक। हेलमेट ले लेता हूँ, हेलमेट तो इधर ही है। चलिए निकालते हैं गाड़ी को बाहर। और आपको बता दूं, आपके लिए फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पूरे 3 दिन बाद मैं गाड़ी चलाने वाला हूँ। तो चलिए चलाते हैं, मतलब 3 दिन बाद निकलेगी गाड़ी बाहर। चलिए चलते हैं, अंधेरा भी हो गया है, मिलते हैं, गाड़ी निकालता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। गाड़ी एकदम मस्त चकाचक, उसी दिन धोई थी मैंने गाड़ी, तो अभी भी मस्त चमक रही है। लाल कलर है तो बढ़िया चमकती है, इसलिए
तो चलिए चाबी मिल गई, चाबी ले ली है, लगाते हैं गाड़ी को चाबी के अंदर, क्या कह रहा हूँ, चाबी को लगाते हैं गाड़ी के अंदर और चलते हैं। फाइनली मैं चौराहे पर आया था और काम मेरा हो गया है पूरा। अब चलते हैं घर, पैसे वैसे निकालने थे क्योंकि कल सिलेंडर भराना है, इसकी वजह से तो वही लेने आया था पैसे, और बाकी मिर्चा और चल लेने आया था तो सामान ले चुके हैं। चलते हैं घर, छोटा मोटा काम था चौराहे पर, ये वाली चौराहे पर थे तो नीचे वाले चौराहे पर आया था, ऊपर वाले पर तो नहीं मिलता जल्दी इसलिए तो नीचे वाले पर आया था। तो चलिए अब चलते हैं घर, घर पर मिलता हूँ आप लोगों से, काम हो गया पूरा और ठंड तो बहुत बढ़ गई है। आप लोग के यहाँ ठंड कैसी है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है, यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है। चलिए चलते हैं घर पे, मिलता हूँ आप लोगों से। खाना बन चुका है और सभी लोग खाने के लिए तैयार हैं सिवाय भाई के। भाई अभी अपनी शूटिंग कर रहा है, दिखाता हूँ कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है शूटिंग। देखिए दरवाजा वरवाजा बंद कर दिया, इसके अंदर ही पूरी शूटिंग कर रहा है अपना, वो बना रहा है कि आवाज आवाज ना आए। और खाना बन चुका है और डैडी का खाना आ गया है, तो खाना बन चुका है तो चलिए आइए दिखाता हूँ आप लोग को आज खाने में क्या है। और ठंड का टाइम है, ठंड के टाइम शरीर को थोड़ा सा हीट मिल जाए, बहुत ज्यादा है, मैंने क्लू दिया है, समझ जाओ क्या बना होगा। तो मतलब ठंड का टाइम है और ठंड में बहुत ज्यादा, तो वही बना है, तो देखते हैं, दिखाता हूँ आप लोगों को अभी थोड़ी, अभी दिखाता हूँ क्या निकाल लें, उसके बाद दिखाऊंगा तो अच्छा दिखेगा ना, थोड़ा अच्छा एकदम ऐसे प्लेट में सजा के तो बढ़िया दिखता है। तो ये देख सकते हैं खाना बन चुका है, आज बना है अंडा, और ये अंडा कौन सा वाला तरीका है मम्मी, फर्रा काट के, फर्रा काट के नहीं, बीच से चीर के बॉयल करके, बॉयल अंडा है। तो देख सकते हैं इससे ये होगा कि ज्यादा मोटापा उटापा, मैं पापा जी जैसे डाइटिंग पे है, मम्मी डाइटिंग पे तो खा सकती है, वो वाला तरीदार नहीं खाएंगी ना, इसलिए वो रस्सा वाला, मेरे को तो रस्सा वाला पसंद है, ये वाला नहीं पसंद है। तो चलिए खाना वाना खाते हैं और फाइनली अब ब्लॉग को एंड करते हैं। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर से दबा दीजिए, और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिए, जाइए इंस्टाग्राम पे सर्च करिए मानसू ब्लॉग, या यहाँ आ रहा होगा मानसू ब्लॉग, या लिंक डिस्क्रिप्शन में है मानसू ब्लॉग, जाइए फॉलो करिए। चलिए तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय।